प्राकृतिक सौंदर्य और दिलकश वादियों के बीच बसे उत्तराखंड राज्य में साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं हैं। ट्रैकिंग, बाइकिंग और स्कीइंग जैसे कई रोमांचक खेलों का गढ़ रही देवभूमि में अब रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश में जल स्रोतों और नदियों की उपलब्धता के कारण यहां राफ्टिंग की अपार संभावनाएं हैं। पानी से जुड़े खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 15 दिन का राफ्टिंग फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर के सैलानी हिस्सा ले रोमांच से भरे इस खेल का लुत्फ उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, इन नदियों में नौकायान जैसे खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। राज्य में राफ्टिंग समेत तमाम साहसिक खेलों का कैलेंडर बन रहा है। साथ ही रामगंगा, कोसी, यमुना, काली और गंगा की सहायक नदियों को साहसिक खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों से सूबे में साहसिक खेलों का लुत्फ तो उठा ही सकेंगे, साथ ही प्रदेश के युवाओं के सामने रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इन खेलों से जुड़कर प्रदेश का युवा वर्ग दो वक्त की रोटी कमा सकता है। तो तैयारियां जारी हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक स्टेज सज चुका है। अब बस देरी है उस दिन की जब साहसिक खेलों का महाफेस्टिवल देवभूमि में रफ्तार पकड़ेगा।